पॉजिटिविटी घटते हुए ऑल टाइम 0.44, 5.5 से भी नीचे चल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो पॉजिटिविटी काफ़ी कम है। तो जो पीक था, थर्ड पीक था, उसको हम कह सकते हैं कंफर्टेबली कि दिल्ली के अंदर थर्ड पीक इस टाइम ख़त्म हुआ है और केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सतर्कता जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं। पिछले 1.5 महीने से लोगों ने इसका बहुत पालन किया है, जिसकी वजह से जनता के सहयोग से केसेस काफ़ी कम हुए हैं। सर, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर किस तरह का रुझान कल देखने के लिए मिला? कितने सेंटर पर कितनी वैक्सीन लगाई गई पूरी दिल्ली में? किस तरह की स्थिति रही, इस पर जानकारी दे दीजिए। कल 4317 4317 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है दिल्ली के अंदर। 81 सेंटर्स थे, 81 सेंटर्स थे जहां पर लगाई गई, सभी सेंटर्स पे वैक्सीन लगाई गई है और पूरा अभियान सफल रहा। एक सेंटर पर सर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी और जो पूरा आंकड़ा आया है वो आधे प्रतिशत के आसपास आया है, तो क्या इसके पीछे वजह आप देख पा रहे हैं? ये तो पूरे देश में ही लगभग 50% के करीब हुआ है, तो दिल्ली में भी 50% के आसपास है, तो ये सभी जगह पर जो आंकड़ा है आधे के आसपास ही है। सर, आगे क्या बढ़ने की वजह उम्मीद क्या है? है लेकिन इसके पीछे दिल्ली की वजह क्या है सर? दिल्ली में नहीं, क्या? नहीं, सब जगह सेम ही वजह हो सकती है, अलग अलग नहीं है। कुछ लोगों ने लास्ट मोमेंट के ऊपर वो टर्न अप नहीं हुए। कल 51 माइनर इंसिडेंसेस हुए हैं, जिसमें माइनर जो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और एक थोड़ा सीरियस था जिसको एम्स में एडमिट कराया गया था। सर, अभी क्या स्थिति है, ये जो सीरियस केस जो आप बता रहे हैं? कल रात तक का पता था, कल रात तक सर वो एडमिट इनको थे।